-23 जितना इसका टेम्परेचर होगा. देन मास ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.386 × 10³. देन मास ऑफ वाटर 0.25 × स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18 × 10³. और टेम्परेचर कितना वेरी हो रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ पे 20 था और इंक्रीज होके कितना हो रहा है 23. तो 23 माइनस 20. कॉपर स्फीयर का कितना था 100 और कितना हो रहा है 23. तो 100 माइनस 23 जितना डिफरेंस हुआ. यहाँ पे कितना था 20 था और कितना हुआ इंक्रीज होके 23. तो कितना डिफरेंस हुआ 3 का. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो बेटा, इसको आप लोग सॉल्व करो कैलकुलेटर से. ठीक है, इसको सी एल्यूमिनियम को सब्जेक्ट करके आप सॉल्व करो, मैं आपको आंसर बताता हूं. आपके पास 3 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए.
ओके तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम आंसर आपका आ रहा होगा 0.911 किलो जूल, 0.911 किलो जूल, किलो जूल केजी इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। तो ये हुआ आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर। तो सिंपल है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, तो एक तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज अ स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। आपको थर्मोडायनेमिक्स में और जेई नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। और भी क्वेश्चन इसके हम प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, आगे का क्वेश्चन एग्जाम्पल 11.6 है, वो एग्जाम्पल 11.6 आप एक बार ट्राई करो, कल के क्लास में मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तब तक आज मैंने जितना करवाया है वो आप नोटबुक में कॉपी कर लो, ये न्यूमेरिकल कॉपी कर लो और इसको याद रखने का ट्राई करो। ओके, इसको याद कर लो जिससे आगे आपको यूज होगा। ओके बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं।